शाहजहांपुर में कटरा थाना क्षेत्र के रहने वाले दो लोगों ने बरेली और शाहजहांपुर में ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी, जिनमें एक युवक ने बरेली में फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र के टिसुआ गांव में और युवती ने शाहजहांपुर के हुलास नगर में रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी। ये दोनों हादसे होने के बाद लोग प्रेमी जोड़ा होने की बात कर रहे हैं। बहरहाल लड़की का शव शाहजहांपुर और लड़के का शव बरेली पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। दरअसल दोनों मृतक शाहजहांपुर के कटरा थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले थे। मृतक के परिजनों के अनुसार उनके लड़के के गांव की ही एक लड़की से प्रेम प्रसंग था, लेकिन लड़की के परिवार वाले उनके लड़के को पसंद नहीं करते थे। आरोप है कि लड़की के परिवार वालों ने उनके लड़के की एक दो बार पिटाई भी की थी। इतना ही नहीं, उसके खिलाफ केस भी दर्ज कराए गए थे। मृतक लड़के के पिता ने बताया, गुरुवार सुबह लड़की ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। इसके बाद जब उनके बेटे को पता चला तो उसने भी ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। लोगों ने बताया युवती की उसके परिजनों ने कहीं दूसरी जगह शादी कर दी थी, जिसकी वजह से प्रेमी और प्रेमिका काफ़ी परेशान रहते थे और उन्होंने आखिरकार गुरुवार को ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। कटरा जब आए तो एक महेंद्र नाम लड़का आया, तो वो उसकी लड़की है, तो वो जा कह रहा था कि हमारी लड़की पीछे रहते हैं, तो उनने एक बात मारा भी इनको घोड़े डंडा डंडा, तो कई की जान से मार देंगे साले को अगर हमने देख लिया कभी। हमने देख ले तो कोई बात, उनके घर गए हम तो हमने कहा तुम्हारी लड़की से बातचीत कराए तो तुम मारना भाई, और ऐसे ऐसे बगैर मारे बोले मत हूँ छेड़ो मारो। हाँ, तो उनने कही अच्छा, कल बता दो रिपोर्ट भी लगा दी उसने इनके ऊपर, तो उन्हें पुलिस वालों ने बुलाया हमको, तो हम गए थे सामने के साथ जिसमें हमारी गंदी ने मारा भी है और जो कौन मारने को उसको लड़का को भी है। लड़का आपका कहाँ कटा है? कटा टिसुआ, वहाँ चलाया घर के, वो लड़की कट गई थी मोटर के मारे भाग गया है। क्या करता था लड़का आपका? खेती बाड़ी काम करता था। अच्छा, लड़की कब कटी थी? आज सवेरे कटी, 7-8 बजे। फिर उसके बाद ये लड़का कैसे कटा था? ये लड़का यहाँ भाग गया, जेने की पता नहीं क्या करेंगे हमारे साथ, अब जो मारेंगे क्या करेंगे। फिर ये भी कट गया? तो इससे ये भी कट गया। टिसुआ हमारी लड़की आया वहाँ आया था, तो उन्होंने फ़ोन करा कि जो राम मोहन टिसुआ पटरी पर चक्कर लगी गाड़ी। किसने फ़ोन किया था? हमारे गंतरे ने। अच्छा, लड़के का? राम मोहन। क्या करता था ये? ये काम तो खेती बाड़ी करता था ना। तो कब की घटना है ये? आज की ऐसे। हाँ, वो लड़की कट गई का ना 6 बजे, और जो कट गया होगा 8 बजे 7 बजे 9 बजे कट गई। करते थे क्या फ़ोन उन पर कभी? हाँ, आपका लड़का फ़ोन पे कभी इस लड़की से बात बात भी किया करता था? बात करते हुए भाई हमें तुम्हारा मैंने थाना फतेहगंज पूर्वी के अंतर्गत रेलवे ट्रैक पर एक 18 वर्षीय युवक मोनू नाम का, उसका शव मिला था और प्रतीत हो रहा था कि संभवतः ट्रेन से कटकर उसने आत्महत्या की है। पुलिस द्वारा इसमें पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है, और फिर सूचना मिली कि बगल के थाने में जो शाहजहांपुर में पड़ता है वहाँ पर एक युवती जो 15-16 वर्षीय बताई जा रही है, उसने भी सुबह उससे पहले ट्रेन से कटकर आत्महत्या की है, और संबंधित जो थाना है उसके द्वारा वहाँ पे पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि दोनों एक ही गांव जो हुल्लास नंगला गांव पड़ता है उसके दोनों ही रहने वाले थे, दोनों की जान पहचान थी, और इसमें जो दोनों की घर वालों को सूचित कर दिया गया है और इसमें जो अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। क्या प्रेम प्रसंग था, क्या अभी तक की जानकारी जानी थी क्या दोनों के? जो परिजन आए उनके द्वारा बताया कि दोनों एक दूसरे को जानते थे और संभवतः एक दूसरे की जान पहचान भी एक दूसरे से थी उनकी। क्या कारण था आप मतलब किसी को जानकारी मिल पाई है? इसमें भी जो भी घर वालों के द्वारा अभी इसमें कारण बताया जाएंगे उस पर विश्लेषण किया जाएगा और उसमें जाँच की जाएगी।